तो आज हम निकले हैं DBSC की ब्लॉगिंग पर, तो देखते हैं ब्लॉगिंग में क्या क्या होता है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी स्कूटी को लेकर, अब स्कूटी स्टार्ट कर ली है मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हम निकल चुके हैं यहाँ रोड पर। ये अभी हम बैठा की गलियों में चल रहे हैं क्योंकि हमें नवीन के घर पर जाना था और जतिन को भी लेना था, ठीक है। तो हमने इसको इन दोनों को ले लिया है। लेने के बाद फिर मैं अपना आ चुका हूँ इधर, और यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे ही मैं फाटक पर पहुँचा ना, तो एकदम एक्सीडेंट से हम थोड़ा थोड़ा बचे, ओ बच गए, बस थोड़ा ही थोड़ा बचे हम इससे, है ना। फिर अब क्या होगा हमारा आगे, इस यहाँ से इस कार से हम बचे थे एक्सीडेंट होने से। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी गाड़ी चुक 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 चलती जा रही है। एक्चुअली रेल नहीं है और बाकी हम चल ही रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ची 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 पीछे कितनी गंदगी है, नहर कहते हैं इसको, काफ़ी गंदगी रखते हैं लोग आगे इसमें। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अब देखो हम दिल्ली में एंटर करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है ना वेलकम टू दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। स्कूटी हमारी चल ही रही है और नवीन पीछे से वीडियो बना रहा है। अब आ चुके हैं हम गोकुलपुरी वाले पुल पर और साएं साएं हमारी स्कूटी चल रही है 80 की स्पीड पर, लेकिन मीटर ख़राब है, उस पर फोकस मत करना प्लीज़। तो देखो आगे हम चलते जा रहे हैं। अब यहाँ रोड है काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है इस रोड पे चलाने में। तो आपको भी, आपने भी चलाया होगा ये वाला पुल है आपका, गोल चक्कर वाला पुल, आप आए होंगे कभी इस पर, ठीक है। तो कितना बड़ा टेम्पू है ये, चलो देखते हैं। अब देखो अब हम पहुँच चुके हैं गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन। हम सारी विजिट स्कूटी से नहीं करेंगे, हम करेंगे मेट्रो स्टेशन पे भी, क्योंकि ना हमारे पास हेलमेट है और हम तीन जने हैं, तो ये फुल सैग देख रहा है, एटीट्यूड देख रहा है एटीट्यूड, ये हम कहाँ कहेंगे अब इसे, वो है वो, सुन मेरी बात। मैं तो एक टीचर हूँ। फिर हम वापस आ गए ऐसे स्वैग में, फिर अब चल रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो ये आ रहे हैं हम, चले गए, अब आ गई है लिफ्ट, तो चलो लिफ्ट में चढ़ते हैं। भाई बहुत सारे जने थे वैसे लिफ्ट में, चलो अब निकाल लेते हैं थोड़ा अपना पर्स। पर्स में पैसे चमकाने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, मेट्रो कार्ड निकाल रहा हूँ इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास हैंगे मेट्रो कार्ड, चलो अब चलते हैं अपना ट्रेन को बोर्ड करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे मेट्रो में। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जतिन का है ना चला नहीं था, जतिन का जो कार्ड था वो चला नहीं था, तो उसको हमने दोबारा रिन्यू करवाया था। अब नवीन का चल गया, फिर जतिन का चल गया, कैमरा जतिन के पास है। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हमें IP एक्सटेंशन पहुँचना है, आपको पता ही होगा IP एक्सटेंशन में है। तो जतिन मुझे आवाज़ मार रहा है, मैं इन्हें बुला रहा हूँ, इधर आ जा भाई नवीन। अब लिफ्ट में जा रहे हैं हम, तो लिफ्ट में देखो हर इंडियन की पहचान होती है ना। लिफ्ट में जा करके शीशा देख लिया तो फोटो खींचनी ज़रूरी होती है ना, समझ में आ गया होगा आपको। और आइए अब बाहर चलते हैं लिफ्ट के, अब वेटिंग फॉर ट्रेन, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं यहाँ पर। हेलो हाय कैसे हैं आप। तो हमारे पास है एक कार्ड, मेट्रो आ चुकी है, लेकिन ये तो हमारी वाली है ही नहीं, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। ये देखो अंकल पोछा लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। बचपन में मैं सोचता था कि ये देखो मस्ती करता हुआ मैं भी बीच में आ गया। आ गई हमारी ट्रेन, मेट्रो आ चुकी है। तो अब आपके कुणाल सर जी एंटर करने वाले हैं अंदर, तो चलिए अब करते हैं एंटर। चलो लेट्स बोर्ड द ट्रेन, जल्दी खुल जा, जल्दी खुल जा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। चलो भैया अब अंदर चलते हैं, अंदर मस्ती करेंगे। हेलो अंकल। चलो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखना यहाँ पर काफ़ी मस्ती करेंगे। मज़ा ही आ गया है ना। बहुत मस्ती करी थी ट्रेन में मैंने, पूरा बचपना दिखाया था अपना। चलो बैठ जाते हैं अब अपना स्वैग में, टोरे में बैठेंगे पूरे के पूरे, है ना। आजा भाई नवीन, तू भी आजा। हाँ ऊपर देख लेते हैं, लेडी सीट तो नहीं है कहीं, पता लग रहा है हमें भगा देंगे उठा करके। चलो बाहर के नज़ारे देखते हैं। ये देखो ये है हमारी दिल्ली, ठीक है, ये गोकुलपुरी की तरफ का एरिया है। तो आइए, हाँ भाई नवीन, हेलो हाय कैसे हैं आप सभी। तो नवीन और मैं खड़े हैं यहाँ पर, तो अभी देखना क्या होगा यहाँ पर। अभी हम लोग खड़े हैं तो एकदम ही ट्रेन जब रुकती है और चलती है ना, तो एकदम दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से। हाँ इधर 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 बाई तरफ खुलेंगे ना, थोड़ा पता लगाता हूँ। ये लो झटका लग गया, अभी गिर जाते हैं हम, है ना। चलो अब चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बैठने के बाद आगे की बात करेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम। ओ डू नॉट सिट हियर, ओ मैं तो खड़ा हो गया एकदम ही, मैंने कहा क्या कह दिया जतिन ने। ओए नवीन ये क्या कर रहा है भाई तू, देखो तो सही, ओ ये क्या है, ओए ये सब चीज़ क्या खोल रहा है, चल बंद कर। ये क्या खोल रखा है यार। इंस्टाग्राम चला रहा है, दोस्तों की वीडियो आ जाती है कभी कभी। शिव विहार, जय शिव शंकर, शिव विहार पहुँच गए हैं हम, ठीक है। और नवीन चला रहा है अपना इंस्टाग्राम, मस्ती में है एकदम तीनों के तीनों हम ही। हाँ तो चलो
अभी हम देखते हैं, ये है हमारा मैप। और अभी क्या है ना, अभी हमें ना मैप में खो भी जाएंगे तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है आईपी एक्सटेंशन, कहाँ पर है, कैसे जाना है, वरना ट्रेन चली जाएगी हमारी। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कैसे है, कहाँ है यार, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। मैं मोबाइल में भी सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आईपी एक्सटेंशन मिल के ही नहीं दे रहा। हाँ मिल गया, ये रहा आईपी एक्सटेंशन, मज़ा आ गया। चलो अब यही वाली ट्रेन है, हम इसमें चले गए अंदर। चलो भाई अंदर चलते हैं अब। तो नवीन मेरे पीछे है, अब हम चल रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। ये नवीन है ना, पैर घिस घिस के चलता है, मेरा बड़ा सर में दर्द होता है इसके पैरों से, है ना, पैर घिस घिस के चलेगा हमेशा, जूते घिस जाते हैं इसके सारे। अभी चल रहे हैं हम, आगे जाएंगे बिल्कुल एंड तक जाएंगे, क्योंकि भाई देखो पूरी मेट्रो की वीडियो भी बनानी है ना। और ये है ना मेट्रो में वीडियो हमने छुप के बनाई है ना, ऐसे उठ गया महिला पे बैठा है। आगे वीडियो को देखते ही रहना, मजा आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ड्राइवर से, अंकल थोड़ा धीरे चला लो। और तुम्हारे सर यहाँ भी चालू हो गए, मंडोली से है ना, मानते नहीं है है ना, इंडियन है। तो यहाँ पर मैंने चिनअप्स लगाना चालू किया, फिर मैंने इसको भी फोर्स किया, मैंने कहा लगा ले यार कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा तू चिंता मत कर, ऐसे अपनी चेस्ट पात मार के, तेरे सर तेरे साथ है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, कोई कुछ कह देगा क्या। जिम करते हैं भाई, जिम करे हैं, डरे हैं, वही वाला। तो नवीन शर्मा रहा है कि नहीं यार मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा, वो लोग क्या सोचेंगे जो बैठे हुए हैं। तो देखो अब क्या है, नवीन भी लगाने जा रहा है, नवीन एक ही लगाएगा वो। हूँ शर्मा गई, शर्मा करके नीचे आ गई। अब हमारी मेट्रो आ रही है एक और। देखो यहाँ पर क्या है, अपने सामान को साथ में रखें अपने। अब यहाँ पर खड़े होके मैं थोड़े व्यूज़ देख रहा हूँ। हाँ चलो भाई बाहर की तरफ देख लेते हैं थोड़ा, क्या हो रहा है बाहर, कोई हमारा सामान तो नहीं लेके भाग रहा। जतिन वीडियो बना रहा है हमारी। तो हम खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं कि भाई कब आएगा स्टेशन और कब हम उतरेंगे। बाहर के नज़ारे काफ़ी अच्छे थे, अपना खड़े हैं। वैसे आपके सर के कपड़े कैसे लग रहे हैं आज, ड्रेसअप कैसा है ज़रा बताओ मेरे को, लुकअप कैसा लग रहा है। और मैंने चश्मा भी लगा रखा है, अभी नहीं मैं पहनूंगा इसमें चश्मा, तो ब्लैक और ग्रे, पता नहीं कौन सा कलर है ये। तो बाहर देख रहे हैं हम झांक झांक के कि कुछ तो दिखे। हाँ भाई वही है ना, डर्टी माइंड दिख रहा तुम्हें। आईपी एक्सटेंशन, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। आईपी एक्सटेंशन, डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप। चलते जाओ। ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, आईपी एक्सटेंशन आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे हम एलिवेटर, एलिवेटर नहीं बोलते इसे, एक्सेलरेटर बोलते हैं, एलिवेटर एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं। अरे ये क्या, अरे यार ये तो उल्टी है, ओह ये तो वापस आ रही है, हम भाग के दोबारा वापस आ गए यार। चलो लिफ्ट से चलते हैं अपना आराम से। हाँ चलो कुणाल सर आ गए, देख रहा है हैंडसम लग रहा है क्या, मैं लग रहा हूँ थोड़ा, नहीं लग रहा कुछ, थोड़ा अलग टाइप। ये काफ़ी बड़ा स्कूल था, नेशनल वेक्टर पब्लिक स्कूल यार, मैंने तो बड़ा मज़ा ही आ गया इसे देख के। फिर हम यहाँ से विज़िट कर रहे हैं, एक्चुअली हमें एक्चुअल एड्रेस पता नहीं है यहाँ का, DBSE का। तो DBSE के लिए हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, देखते हैं। तो फिर से हमने लिफ्ट में अपनी जाना का। और भाई साहब यार धूप तो इतनी तेज़ है, और ऊपर से काली शर्ट पहन रखी है आपके सर ने, अंदर से पसीने तो ऐसे चल रहे जैसे कोई हाथ लगा रहा हो, सच में बड़ा करंट सा लग रहा था। तो चलो चलते हैं। अरे अब हमने ऑटो वाले अंकल से पूछे, अंकल जी आईपी एक्सटेंशन कहाँ पड़ेगा, सॉरी आईपी DBSE कहाँ पड़ेगी। अंकल जी अपनी ग्राहक बनाने में लग रहे हैं, इन्होंने कहा बैठो छोड़ के आता हूँ DBSE। इन्होंने अब देखो देखो अभी ट्विस्ट देखना कहानी में, ट्विस्ट। अभी हम गए हैं यहाँ पर, ऑटो में बैठ चुके हैं, तो मैं पैसे देख रहा हूँ कि मेरे पास खुले पैसे तो हैं ही नहीं। अब मैं देख रहा हूँ तो यार मिल ही नहीं रहे हैं, सारा पर्स मैंने छान लिया। मैंने कहा अंकल को 500 का नोट दूंगा, वही और कहेंगे कि यार तुम तीन इंसान हो।
और तीन के तीन बताओ यार तुम, फिर मैं सिक्के निकालो। 20 ही रुपये निकले थे सिक्के तो, 500-500 के नोट रखे हुए थे पर्स में। फिर मैंने और चेक किया, फिर देखा देखा मैंने उसके अंदर, चलो देखते हैं। ऑटो के अंदर वैसे मज़ा तो आ ही रहा है, खैर हाँ 500-500 की नोट है, उसमें से 100 का निकल गया। चलो भाई CBSE ऑफिस, इन अंकल ने DBSE की जगह CBSE ऑफिस पे छोड़ दिया यार, दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं इन अंकल से बात करने चला गया, गार्ड अंकल से, कि अंकल जी बता दो यार हमें कहाँ पर कैसे है। तो इन्होंने, मैंने बोला DBSE, यूँ कह रहे नहीं जी CBSE। तो अब क्या, इन्होंने क्या किया, हमारे सारे मोबाइल्स ले लिए और वापस आ गए हम अंदर, कुछ नहीं मिला हमें, है ना। फिर इन्होंने बताया कि बैक साइड है, तो बैक साइड यार हम पैदल ही पैदल गए ऑटो। फिर यार पता है कि ऑटो वाला बहुत लूटता है यार, है ना। ऐसी बात नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन गरीब नहीं है हम, तो फिर क्या हुआ, दिल से गरीब नहीं है, बहुत अमीर है दिल से। तो हम पैदल पैदल चल रहे यार, बहुत धूप है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस बार हमने, वही पैदल पैदल गए, क्योंकि स्कूटी से भी आ सकते थे हम, लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार तीन जने हम, है ना। तो फिर हम पैदल 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 चलते गए, चलते गए चलते गए। फिर यहाँ पर है ना बहुत ही बड़ा ये वाला स्कूल नेशनल, तो यहाँ पर बच्चे हैं ना छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तो हमने देखा, मैंने दिखाओ यार नवीन की वीडियो बनाओ, मज़ा आ रहा है नहीं देखने में, अच्छा लग रहा है। इन बच्चों ने हाई भी किया था हमें, काफ़ी अच्छा लगा था। ये रहा ना नेशनल वेक्टर स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम। फिर हम चल रहे हैं, अब देख रहे हो मतलब पूरा रास्ता हमने पैदल ही कवर किया था, कम से कम 300 मीटर था। तो हम चलते गए चलते गए, वहाँ पर कई लोगों से हमने पूछा कि अंकल यार DBSE का ऑफिस किधर है बता दो। कोई तो यूँ कह रहा था भाई DBSE ऑफिस तो है ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा यार क्या हो गया, ये मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर ये काफ़ी बड़ा स्कूल था। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी हम हरकतें करने लग गए। ये देखो जतिन को ये जतिन है ना, बचपन है इसके अंदर, तो इन्हें देख के मुझे भी बचपन याद आ जाता है अपना। तो अब मैं चल तो रहा हूँ, मेरे को क्या है बहुत जल्दी हो रही है कि यार मेरे को जाना है, अब वहाँ पर देखना है कि अब क्या क्या है कैसे है। तो अब मैं भी यहाँ पर चलने लग गया, थोड़ा बोर हो रहा था तो मैं ऐसे करके चलने लग गया। मैंने तो सारी पार कर दी, मज़ा ही आ गया, यो किला जीत लिया मैंने, नहीं इस पर चढ़ के किला जीत लिया। अब यहाँ पर मैं इन आंटी से पूछ रहा हूँ कि आंटी बता दो यार DBSE किधर है। ये कह रही है DBSE तो है ही नहीं, DBSE यहाँ पे है ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार है, मैं आगे गया। फिर मैं आगे जाने के बाद फिर क्या हुआ देखना, अभी अभी क्या होगा। जब मैं आगे गया तो चलता रहा आइसक्रीम, यार मेरे तो मुँह में पानी आ गया इसे देख के। तो अब यहाँ पर मैंने इन अंकल से पूछा, ये DBSE ऑफिस ही था, तो वेलकम टू DBSE ऑफिस। तो अंदर गए हम, उसमें काफ़ी डर डर के वीडियो बना रहे थे। तो मैं अंदर गया सीधा, मैं घबराया नहीं बिल्कुल ही। मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नंबर 4 में सर को ले गए, अब उनके साथ क्या हो रहा होगा। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर गया, यही वो रूम है डोर ऑफ डेथ, इसे खोल दिया सर ने। मैंने एक वीडियो डाल ली, क्या होगा इनके साथ सर के साथ, इस रूम नंबर 4 में। मुझे घबराहट हो रही है, बताओ क्या क्या है, क्या सीन है, कैसे है, बच्चों की वेटिंग लिस्ट का क्या है। तो यार अंदर जा कर के है ना काफ़ी, मतलब कि बहुत देर तक बात चली हमारी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाले इस डोर में भी जाऊँ यार, यहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। पता कुछ नहीं अंदर कौन सा ऑफिसर बैठा है, लेकिन फिर भी मैं जा ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो गेट ही बंद है। ओ यार बेइज्जती होगी, ये तो बंद था गेट, बाहर आ गया। फिर भी मेरे को चैन नहीं मिला, फिर भी मेरे को चैन क्यों दोबारा जाते हो गया। मुझे DBSE की बिल्डिंग नहीं क्या नहीं, उसकी व्लॉग बनानी है, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, मैं अंदर गया, यहाँ पर ऑडिटोरियम सा है, यहाँ पर जाकर के मैंने एक टीचर मिले, इनसे काफ़ी मजा साफ हुई मुझे। मैंने इनसे बात करी कि सर थोड़ा बताओ कि ऐसे ऐसे में कैसे कैसे वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, कौन है कहाँ कैसे, है ना, सारे रिजल्ट कब तक क्लियर होंगे। तो बताया कि भाई रिजल्ट तो क्लियर हो जाएंगे आपके 20 तारीख तक, मतलब सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीजर जो भी है SOSE का 20 तारीख तक हो जाएगा, बस आप थोड़ा वेट करो। और SOSE की जो लिस्ट है सेकंड वेटिंग लिस्ट, वो भी आई जाएगी, आप है ना बस टेंशन मत लो। मैंने ये कंफर्म करी कि आएगी भी या नहीं भी आएगी, कह रहे थे वो आएगी। तो फिर क्या हुआ, हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर मैंने सोचा चलो यार ऊपर भी चल के देखते हैं। तो ऊपर गए हम, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान था यार, काफ़ी भूतिया इलाका, नहीं काफ़ी अच्छा था। लेकिन यार जब गेट बंद हो रहे थे ना, भैड़ भैड़ आवाज़ आ रही थी बड़ी तेज़ तेज़। फिर मैंने सोचा चलो यार इस वाले रूम में भी चलते हैं। फिर काफ़ी कंफ्यूजन थी यार, कोई पता नहीं कुछ कहे ना मेरे से, है ना। लेकिन आपके सर जी हैं, आप जब मैं आपके बारे में सोच लेता हूँ ना, स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे लर्नर्स के बारे में, तो फिर मैं ना कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गेट खोला और मैं अंदर गया। जय बजरंग बली, चलते हैं अंदर भगवान का नाम लेके। फिर मैं अंदर गया, नोक करके पूछ के अंदर गया। ओ भाई साहब अंदर से तो काफ़ी नॉलेज मिली यार, पूछ के आया मैं वापस। उन्होंने भी बताया मेरे को, मैंने वीडियो में शेयर कर रखा है। फिर मैं आगे बढ़ा चलते 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 चलते, फिर मैंने देखा यार चलो यहाँ देखते हैं एक बार।
फिर क्या यहाँ पर ये देखो, जब मैं अंदर वहाँ बात करने गया, ये दोनों भाई साहब ये टैबलेट में ये देखो झोपड़ी बना रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं था टैबलेट में झोपड़ी बना रहे हैं दोनों के दोनों ही और अंदर मैं बातचीत कर रहा हूँ वहाँ पर कि हाँ जी बताइए सर कैसे होगा, मतलब कि जो भी 11th का भी पूछा ना, कह रहे 11th का भी आ जाए, 11th का आएगा अभी देखते हैं, उसका सर्कुलर नहीं बताया इतना। तो फिर मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद फिर मैंने कहा चलो आओ थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं, है ना, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो फिर क्या हो गया, हम लोग बाहर फाइनली आ ही गए। तो बाहर आ गए हम, तो बाहर आने के बाद फिर तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर एक फ़ैन भी मिले थे उनसे बात भी करी थी हमने। बाहर आ गए, अब ये DBSC की ये बिल्डिंग है, कितनी शानदार बिल्डिंग है यार, कितना मज़ा आ जाएगा, है ना, देखो है ना कितनी बढ़िया बिल्डिंग है। तो इसके बाद अब देखो हमने क्या किया, वापस जा रहे हैं, धूप लग रही है बहुत जोर से। हाँ पता है मेरे को, अजीब आदमी है यार ये, कुणाल सर है समझ रहा है, ऐसे ही थोड़े ने इनकी मम्मी ने इनका नाम कुणाल रख दिया था। पर बातें कर रहे हैं तो चल रहे हैं अभी हम, तो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और यहाँ पर हमने शिकंजी भी पी थी। चलो अब मेट्रो में एंटर करते हैं, अब हम मेट्रो में आ चुके हैं, ठीक है। अब मेट्रो में क्या है, तो हम चले गए वहाँ पर, नवीन मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया और फिर वहाँ पर जा कर के हम खड़े हो गए। काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे थे यार, है ना, बहुत हल्ला काट रहे थे यहाँ पर। तो फिर मैंने नवीन से बोला यार इससे थोड़ा बोल पीछे हो जा यार कैमरा में आधे आधे आ रहे हैं हम वीडियो बनानी भी सिखानी पड़ती है भाई स्टूडेंट से। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा वाले से सारा पसीना पसीना हो रखा है। और ये पूरा का पूरा हमारा रूट है, इससे हम आए हैं। तो क्या हुआ वेटिंग में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी चैटिंग कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं थोड़ी, है ना। मैं और नवीन बैठ कर अपना मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते फिर क्या हुआ, इतने ही अचानक ट्रेन आ गई हमारी। तो ट्रेन के अंदर अब चलते हैं, मस्ती करेंगे। ट्रेन आ गई है, चलो भाई नवीन आ जाओ अंदर, जतिन तुम भी आ जाओ, थोड़ा पीछे खड़े होकर वीडियो बना लो यार, आधा आधा आ रहा हूँ मैं इंद्रप्रस्थ। तो ये थी हमारी डेस्टिनेशन, यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की ओर। चलो मेट्रो में आ चुके अब हम। अब मेट्रो में क्या हुआ भाई, मेरे को तो बड़ा सेलिब्रिटी फील हो रहा था यार वहाँ पे है ना, कि यार ऐसे वीडियो वीडियो बन रही है, मज़ा आ रहा है यार, है ना, ये बाहर का सीन है थोड़ा, है ना, कितना अच्छा लगता है ना मेट्रो में बैठना। अच्छा मेट्रो में बैठना किस किस को पसंद है ज़रा बताओ मेरे को। नवीन, नवीन भी बातें कर रहा है पूरी पूरी। हाँ अभी आगे जाके हम खाना भी खाएंगे, कहानी में बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट है, ब्लॉग पूरी देखना यार। हाय जतिन, ओह जतिन ये स्वैग दिखा रहा है, तो बाहर की वीडियो बनाते हैं थोड़ी। हाँ बाहर के नज़ारे देखते हैं, दिल्ली के नज़ारे हैं, दिल्ली के नज़ारे। तो अब देखते हैं कहाँ पहुँच गए हम, कौन सा स्टेशन आ गया, ये कौन सा वाला स्टेशन है, कौन सा वाला है स्टेशन, कृष्णा नगर, जय श्री कृष्णा, कृपया दरवाजों से दूर हट कर खड़े हों। ऐसे सुनिए ना आपने, प्लीज़ इंग्लिश में तो आई ना, जय भारत माता की। ओ भाई साहब झंडा देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, स्कूल है ये इतना बड़ा, है ना। फिर हमने क्या, ट्रेन को डिबोर्ड किया, हम बाहर आए, बाहर आने के बाद हमने ट्रेन चेंज करी, सामने वाली ट्रेन में जाएंगे अब हम आराम से। भीड़ देख रहे हो तुम, तुम्हारे सर जी तुम्हारे लिए देखो भीड़ भीड़ में कहाँ, धूप में ऐसे चलते जा रहे हो, वरना स्कूटी से जाता हूँ मैं तो आराम से। चलो भाई अंदर आ जाओ सर, बैठ चुके हैं आपके यहाँ, अब की नहीं बैठा मैं उस वाली सीट पर जहाँ पर बना कर रखा है। बाहर का सीन देखते हैं, ओ नो 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 नो, ये उसमें वीडियो चलती है ना, नो नो करते हैं। चलो अब बाहर चलते हैं, तुम्हारे सर जी की आदत है, चाहे बेल्ट लगा लूँ कुछ भी लगा लूँ, मेरी पैंट ऊपर को सरकारी होती है मेरे को। और ये देखो नवीन, ये देख रहे हो तुम, मतलब कि ये कहीं भी नहीं मानता। नवीन को देखो अपने जूते साफ का है, किस चीज़ से कर रहा है ये, इसे इसे सबर नहीं है इसे। हेलो, तो यहाँ पर बोलेगी वो बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, तो मैं इसका हाथ पकड़ लूँगा जतिन का। तो मैंने हाथ पकड़ लिया, चलो बेटा बच्चों का हाथ पकड़ के रखना है, चलो उतरो उतरो उतरो, चलो शाबाश। चलो भैया अब मेट्रो में चलते हैं। ओ वाह यार यहाँ पर तो सच में दारू, कभी कभी मुझे भी याद आ जाती है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हम मेट्रो लिफ्ट में चलते हैं, अब लिफ्ट में गोकुलपुरी आ चुके हैं हम, गोकुलपुरी ये लिखा ना, तो गोकुलपुरी से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, बैग में से निकाली अपनी चाबी,
अपनी चाबी निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, चाबी तो निकाली लेकिन उसके साथ मैंने अपना परफ्यूम भी निकाल लिया। चलो भैया परफ्यूम थोड़ा बताओ कौन सा परफ्यूम है ये। अब मैं इसे स्मेल भी करूँगा। ओए होए मज़ा ही आ गया ना। तो अब हम अपनी स्कूटी पे आ चुके हैं पूरे स्वैग में। चलो भैया मास्क पहन लो, बाजुएं सीधी कर लो वरना हाथ काले हो जाएंगे धूप में। बाजुएं सीधी कर ली है मैंने अपनी। अब इसके बाद मास्क कहाँ गया यार मेरा, कौन सी जेब में है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये। चलो भाई मास्क पहनो और बैठो अपनी स्कूटी पे, बाहर आ जाओ और साए से निकल जाओ। स्कूटी है मेरी 6G। ओए नंबर नोट मत करना। ओए आ गए हम। चलो भाई जतिन कम ऑन बेबी सिट ऑन माय स्कूटी। अब बात करते हैं नवीन की, और नवीन तू भी आ जाओ। ओए नवीन भी आ गया। चलो अब हम चल रहे हैं साए साए। गाजियाबाद, नहीं वो क्या लिखा था पता नहीं यार, गाजियाबाद ही लिखा था आई थिंक। तो चल रहे हैं हम सटासट सटासट, है ना, मज़े से चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। स्पीड में चला रहे स्कूटी क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे क्या है इंग्लिश स्पीकिंग का सेशन भी लेना है और मैं चलाए जा रहा हूँ स्कूटी को। भारत माता की जय। झंडा फिर से दिख गया, 3 झंडे दिखे। यो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी नवीन। पूरे पुल की वीडियो बना रखी है, मज़ा आ गया। सिलेंडर ही सिलेंडर, वाओ। अब हम आ चुके हैं गोल चक्कर, गोल चक्कर आ गए हैं। गोल चक्कर से फिर यहाँ पर सीधा निकल रहे हैं हम आगे। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाएंगे। तो अब आगे आ रहे हैं हम, पुल पे आ गए। अब हम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को मार दो हैं। ये देखो ओ ओयो, ये ओए ये क्या था, ओयो 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 ओयो, एक ओयो और दूसरा ओयो। यार देख रहे हो ना दिल्ली को तो ओयो बना रखा है यार। ओयो 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 ओ यार मुझे तो शर्म आ रही है थोड़ी सी। ओयो चलो कोई नहीं, ज़्यादा मत बहो बहो मत, कोई नहीं इधर आ जाओ ब्लॉग पर। चलो ओयो गया, बैक मत करके देखना आप वीडियो को, बार बार बैक करके देखो कहीं ओए ओयो कहाँ पे था ये। किसको बताया ओयो के बारे में। चलो भाई चलते हैं अब अपना यहाँ पर। तो अब हम आ चुके हैं मंडोली चुंगी आ चुके हैं। फिर इसके बाद ये हमने कृष्णा रेस्टोरेंट, यार पप्पी लेगा क्या मेरी, ऐसे बैठा है। अब ये नवीन देखो खाते हुए शर्म आ रहा है, इसकी वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो शर्म आ रही है, इसका बड़ा शर्मीला लड़का है यार ये। काफ़ी शर्मीला, हटा फोन हटा ओ भटूरे। अब तो यार मेरे मुँह में पानी आ गया बोलते बोलते भी, अब क्या किया जाए। जतिन मजे आ गए तेरे तो, मेरी प्लेट भी आ गई। चलो भैया यार प्याज मैं दिन में खाता नहीं हूँ क्योंकि स्मेल आती है यार थोड़ा मुँह से, है ना, इसलिए थोड़ा प्याज को मैं अवॉइड करता हूँ, तो बुरा मत मानना यार। हाँ चल भाई नवीन तू खा ले प्याज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जतिन चलो अब ट्राई करते हैं कैसा है, मज़ा आएगा यार, काफ़ी अच्छा है। हुआ यार मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। ओह यार मुँह जल गया मेरा तो सच में यार, ये है ना स्ट्यूमलाइजेशन, मुँह में पानी आ रहा था मुँह जल गया। वैसे टेस्टी बहुत था भटूरा यार, मज़ा ही आ गया काफ़ी। मुंह जल गया था यार। चलो अब चलते हैं अपने घर की तरफ और अब हम जतिन को छोड़ देते हैं यहाँ पर, फिर अपने सेंटर पे जाएंगे हम। चलो भाई जतिन अब उतरते हैं, मिल लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आशीर्वाद दे दिया जतिन को। चलो बाय बाय जतिन। चलो अब अपने सेंटर पर चलते हैं, दूसरे वाले प्रताप नगर वाले सेंटर पर। चलो देख रहे हो स्कूटी साए चला रहा हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी। चलो भाई अपने सेंटर पे आ चुके अब हम, ये रहा हमारा सेंटर और मैं एंटर कर चुका हूँ सेंटर में। और ये हमारे मेरे बच्चे की चप्पल है, देखो कितने सारे वेट कर रहे हैं बड़ी देर से, सर कब आएंगे। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। हर एक इंडियन की पहचान है।